गर्मियों किचन पैराडाइज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सरसों के फूल के पकौड़े। सरसों के फूल आसानी से सर्दियों में मिल जाते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सरसों का फूल लिया है, इसको दो तीन पानी से अच्छे से धुल लेंगे। सरसों के फूल को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें दो बड़ा चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला देंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, एक कप बेसन डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, बारीक कटा धनिया पत्ता डाल देंगे, सबको अच्छी तरह मिला देंगे। सबको अच्छी तरह मिला लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। इसी तरह बना लेना है। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। तेल गरम हो गया, तेल अच्छी तरह गरम होना चाहिए तभी इसमें पकौड़े डालें। इसी तरह बना लें। इसी तरह सारे पकौड़े डाल दें। अब इसको मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ उलटते पलटते हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसी तरह अलट पलट कर फ्राई कर लें। इसी तरह से सारे पकौड़े को फ्राई कर लें। अब इसको निकाल लेंगे। सरसों के फूल के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। एक बार जरूर इस तरीके से सरसों के पकौड़े बनाएं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके का और नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।